हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ 7,000 रुपीज के अंदर वो कौन से बेस्ट फोन है जिसे आप परचेज कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप फोन लेते हैं तो आप सारी चीजें ध्यान रखते हैं, कैमरा ठीक ठाक हो, प्रोसेसर ठीक ठाक हो, बॉडी ठीक ठाक हो, स्क्रीन भी ठीक ठाक हो। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और सबसे मेन पार्ट होता है बैटरी, बैटरी भी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आजकल 5000 mAh की बैटरी नॉर्मल हो गई है। तो मैं आपको बता दूं, मेरे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल थे 6,999 रुपीज के अंदर स्मार्टफोन खरीदने के लिए। जी हाँ, जो पहला ऑप्शन है वो माइक्रोमैक्स इन 1B, जो दूसरा है वो है रेडमी 9, है जो तीसरा है वो है सैमसंग M01, जो फोर्थ है वो है पोको C3। तो इन चारों में से मैंने कौन सा खरीदा है, मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैं हूं प्रियांशु सिंह और हमारे चैनल हिंदुस्तानी 360 में मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप बात करते हैं 6,999 रुपीज के अंदर के फोन्स, तो जितने भी फोन्स मैंने बताए हैं ये सारे फोन्स हैं नॉर्मल यूजेस के लिए, जिसमें आप व्हाट्सएप चला लें, फेसबुक चला लें या आप कोई भी नॉर्मल ऐप चला लें। ये गेमिंग के लिए नहीं होते हैं। आप गेमिंग कर सकते हैं, हल्की फुल्की गेमिंग कर सकते हैं आप। अगर मैं बात करूँ माइक्रोमैक्स इन 1B की, तो इसमें दिया गया है हेलियो G35। अगर मैं बात करूँ रेडमी 9, इसमें दिया गया है मीडिया टेक का हेलियो G25। अगर मैं सैमसंग M01 की बात करूँ, इसमें दिया गया है स्नैपड्रैगन 439। अगर मैं बात करता हूँ पोको C3 की, तो इसमें दिया गया है मीडिया टेक हेलियो G35, सेम जो माइक्रोमैक्स इन 1B में दिया गया है। तो यहाँ पे जो अंतर निकल के आता है कि माइक्रोमैक्स इन 1B और जो है पोको C3, ये दो ऑप्शन सामने निकल रहे हैं। जो रेडमी 9 है और जो सैमसंग M01 है, ये पूरी तरह से बीट हो जाते हैं, क्योंकि अगर बेंचमार्क की बात करें हेलियो G35 की, तो 1,10,000 के आसपास रहती है। अगर मैं बात करता हूँ G25 की, तो इसकी रहती है 90,000 के आसपास। अगर मैं बात करता हूँ स्नैपड्रैगन 439 की, इसकी रहती है 97,000 के आसपास। तो जो मेन टक्कर है वो है माइक्रोमैक्स इन 1B और जो है पोको C3। अब मैं आपको बता दूं, जो माइक्रोमैक्स इन 1B है, इसमें आपको 2GB 32GB मिलता है। जो पोको C3 है, इसमें मिलता है आपको 3GB 32GB। तो यहाँ पे जो है पोको C3 जो है लीड करता है। अगर मैं बात करता हूँ फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो माइक्रोमैक्स इन 1B में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, और जो पोको C3 है यहाँ पे आपको कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ, यहाँ पे यही एक कमी है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ स्टोरेज की, तो इसमें दिया गया है EMMC 5.1। मैं आपको बताऊँ रीड एंड राइट स्पीड भी आपको 200 Mbps के आसपास मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी है। अगर मैं कैमरा की बात करूँ, तो 13 MP का आपको कैमरा मिलता है, फ्रंट जो है 5 MP का मिलता है। तो ये मैंने फ़ोन लिया है, ये मिला है मुझे 6,300 रुपीज़ का। एक्सिस बैंक में मुझे 700 ऑफ मिल गया है फ्लिपकार्ट पे। तो मतलब इससे बेस्ट 6,300 रुपीज़ में आपको इससे बेस्ट फ़ोन नहीं मिल सकता है। जी हाँ, आप कुछ ना कुछ लैक होगा। आपको मैं बता दूँ, जैसे अगर आप 2GB 32GB लेंगे, तो वहाँ पे आपको रैम का इशू आ सकता है, परफॉर्मेंस का इशू आ जाएगा। जी हाँ, मान लीजिए आपकी जो चिपसेट है वो ठीक ठाक है, लेकिन जब आप थोड़ा हाईली यूज़ करेंगे तो रैम उतना नहीं रहेगा, जिसकी वजह से आपका फ़ोन थोड़ा हैंग कर सकता है। तो यहाँ पे आपको 3GB रैम मिलता है, जो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको 2 SIM और 1 SD कार्ड स्लॉट भी मिल जाता है। जी हाँ, तो सारी चीज़ें अच्छी हैं। 6.53 इंचेस का जो है आपको डिस्प्ले भी मिल जाता है, मतलब वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो एक नॉर्मल यूज़र ढूंढता है। और अगर बैटरी की बात करूँ, तो इसमें दिया गया 5000 mAh का बैटरी दिया गया है। जी हाँ, कोई भी फास्ट चार्जर नहीं है। आप 6,999 रुपीज़ में फास्ट चार्जर एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। 10W का नॉर्मल चार्जर आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन फ़ोन है। जी हाँ, अगर मैं बात करता हूँ परफॉर्मेंस वाइज, तो देखिए हेलियो G35 वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर है 7,000 रुपीज़ के अंदर। अगर मैं बात करता हूँ, बहुत सारे फोन से जो आपको मिल जाएंगे 9,000 रुपीज़ तक हेलियो G35 के साथ। अगर मैं बात करता हूँ स्नैपड्रैगन 625, स्नैपड्रैगन 439, स्नैपड्रैगन का 450, स्नैपड्रैगन का 460, उन सभी को ये इजिली बीट करता है और मार्जिन से बीट करता है। जी हाँ, तो इसकी जो बेंचमार्क है वो 1,10,000। अगर मैं बात करता हूँ स्नैपड्रैगन 439 की, तो वो 98,000 के आसपास है। अगर 450-60 की बात करूँ, तो 50-55,000 के आसपास है। और 625 की बात करूँ, तो वो भी रहता है 90,000 के आसपास। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलियो G35 का, उसकी परफॉर्मेंस कहीं ज़्यादा बेहतर है कम्पेयर टू जो अदर स्नैपड्रैगन के सीरीज है। अगर मैं बात करता हूँ स्नैपड्रैगन 636 की, तो वो हेलियो G35 से ज़्यादा पावरफुल है। देखिए, मीडिया टेक के पी सीरीज भी हैं, P20, P22, 23, 25, P30, तो वो भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो G35 है वो कहीं ज़्यादा बेटर है पी सीरीज से। जो P20 है, P22 है, P23 है, 25 है या P30 है, उससे ज़्यादा बेहतर है हेलियो का G35। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी मिलती है, जो है डिज़ाइन भी अच्छा मिलता है, डिस्प्ले भी अच्छा मिलता है, मतलब
आपको सारी चीजें अच्छी मिल जाती हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलता है, आप गेमिंग भी कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप पबजी खेलते हैं तो 25 to 28 FPS आप खेल सकते हैं लो सेटिंग पे, मतलब नॉर्मल यूजेज के लिए है। अब मैं आपको बता दूं ये फोन किसके लिए लिया गया है। देखिए, अब मैंने किसके लिए लिया है, तो मेरे मामा हैं वो फीचर फोन यूज करते हैं। अब उनके लिए 7,000 रुपीज के अंदर फोन लेना था, तो मैं उन्हें दिलाना चाहता था कि वो सारी चीजें बेस्ट हों जो वो चाहते हैं, कि बैटरी भी अच्छी हो, 5000mAh की बैटरी है, कैमरा भी ठीक ठाक हो, ठीक ठाक है जी हाँ, फ्रंट फेसिंग कैमरा भी हो वो भी है, 5 MP का एवरेज, बिलो एवरेज है आप कह सकते हैं, ठीक है, खींच लेता है, कैमरे के ऊपर बात ही ना करें तो अच्छा है इस प्राइस सेगमेंट में। डिस्प्ले बड़ी होनी चाहिए, जी डिस्प्ले बड़ी है, 6.53 inches का डिस्प्ले है, डिस्प्ले की क्वालिटी भी अच्छी है जी हाँ, बैटरी अच्छी होनी चाहिए, 5000mAh की बैटरी है, स्पीकर भी अच्छा होना चाहिए, स्पीकर भी अच्छा है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस प्राइस में, जी हाँ प्रोसेसर भी अच्छा है, बैटरी भी अच्छा है, डिस्प्ले भी अच्छा है, बिल्ड और डिज़ाइन भी अच्छा है। जी हाँ, प्लास्टिक बिल्ड है वो अलग बात है, आपको मेटल नहीं मिलेगा इस प्राइस में जी हाँ, तो प्लास्टिक से ही आपको काम चलाना पड़ेगा। ओवरऑल ये बहुत ही बेहतरीन फ़ोन है 7,000 रुपीज़ के अंदर। जी हाँ, जो ये पोको है, पोको C3, ये 7,000 रुपीज़ के अंदर वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन है जी हाँ। बस इसमें एक ही चीज़ की कमी है कि इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ जब ये पोको C4 आएगा उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिलेगा, और जो प्राइस है वो 500 रुपीज़ शायद इंक्रीज हो जाए, बाकी सारी चीज़ें सेम भी रह सकती हैं। ये था जो मैंने खरीदा फ्लिपकार्ट सेल में। जी हाँ, अभी जो रिसेंटली सेल चल रहा था, एक्सिस पे 10% ऑफ चल रहा था, जिसमें मैंने 700 रुपीज़ का जो है ऑफ लिया और मुझे ये 6300 रुपीज़ में मिल गया। तो ये 6300 रुपीज़ में वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन है। मैं आपको बता दूँ, मैं माइक्रो मैक्स इन 1B के बारे में भी सोच रहा था, लेकिन उस पर एक्सिस बैंक ऑफर नहीं चल रहा था, मुझे वो पड़ रहा था 6,999 रुपीज़ में और ये पड़ रहा था 6300 रुपीज़ में। तो मुझे सिर्फ फिंगरप्रिंट और 1GB कम रैम के लिए मुझे 700 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा था, और मुझे यहाँ पे सिर्फ फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहा है, बाकी सारी चीज़ें मिल रही हैं, और मुझे 700 रुपीज़ जो है कम में ये फ़ोन मिल गया है, तो ये मुझे बेस्ट लगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी बहुत बहुत धन्यवाद, जी बहुत बहुत धन्यवाद।